अरे ये सुनो, ये पांडे कौन है? यार पांडे पांडे कोई नहीं है। नहीं वो है ना, वो लोन वोन देता है, वो पांडे जी है। अरे हाँ वही, वो पांडे जी कहाँ मिलेंगे? बैठे होंगे वहाँ। वहाँ तो कोई नहीं बैठा। तो खड़े होंगे वहाँ, तो खड़ा भी नहीं है कोई। लेट गए क्या? अरे कहाँ गए? अच्छा वो तो नहीं है जो अभी अभी आके बैठे कुर्सी पे? यही तो, वही तो है। अच्छा भाई, भाई धन्यवाद। पांडे जी। जी बैठ जाऊं? काम बोलो जी। वो लोन लेने के लिए बात करनी थी। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। क्या जी? कि लोन लेने के बारे में आपसे बात करूं। लोन लेना है तो बोलो। हाँ तो लोन ही तो लेना है। अभी तो बोल रहे थे बात करनी है। बात करूंगा तो मिलेगा ना? क्या गारंटी है कि बात करने के बाद लोन मिल जाएगा? मतलब? मतलब आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। तो वही तो बता रहा था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो उसी के बारे में तो बात कर रहा था। अरे तो बताइए ना, जल्दी क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? तो बैठ जाऊं? मैं खड़ा हो जाऊं? नहीं नहीं आप क्यों खड़े होंगे? तो फिर बैठ जाओ जी। अच्छा पांडे जी, लोन चाहिए था। अच्छा मुझे नहीं पता था लोन चाहिए था। नहीं अभी अभी तो मैंने आपको बताया ना। जब बता दिया तो दोबारा क्यों बता रहे हैं? सीधे मुद्दे पे आइए ना। लोन चाहिए था। हाँ वो मुझे मालूम। आगे आगे आप बात करने दें तब ना। मैं आपको बात नहीं करने दे रहा हूँ। नहीं मतलब भाई, आप वहाँ टेबल पे जाइए, फॉर्म लीजिए। फॉर्म? फॉर्म भर के दे दीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म में पढ़ लूंगा। नहीं नहीं मैं बता देता हूँ। खाम खाम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पटेल। हाँ पांडे जी। जरा इन्हें देख लेना, जाओ जी। पटेल साहब। क्या है पटेल साहब, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अभी पांडे जी ने कहा ना कि पटेल साहब देख लो इन्हें, तो मैं देख रहा हूँ आपको। नहीं नहीं नहीं, उनका मतलब था कि आप मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा हाँ जी। सुना जी, मेरा नाम मुसद्दीलाल प्रसाद है। एंड आई एम पटेल, द ओनली एजुकेटेड मैन इन द कंट्री। अच्छा जी, मुझे लोन लेने के लिए एप्लीकेशन देनी थी। हाँ तो दो। वो है नहीं मेरे पास जी। अभी तो आपने कहा कि आपको देनी है। देनी है पर है नहीं। तो फिर कैसे दोगे? आप देंगे तो मैं दूंगा। मैं क्यों दूं एप्लीकेशन? खाम खाम। नहीं नहीं मतलब फॉर्म चाहिए था। अच्छा अच्छा, तो सीधा बोलो ना, क्या इतनी सी बात ऐसे ऐसे करके बोल रहे हो? लाइए दे दीजिए। भाई वो तो हमारे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? वो तो उषा बाई देगी ना। वो कौन है? प्यून है। उषा बाई जी। पटेल साहब आई। अरे भाई इन्हें वो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म दे दो। जरा बैठो, मैं जाके आती हूँ। कहाँ जा रही हो? पापड़ धूप में सुखाने जा रही हूँ। देखिए पहले मेरा फॉर्म दे दीजिए ना। तब तक धूप चली जाएगी ना। अच्छा एक काम करो, तुम अपना काम करो, इन्हें अपना काम करने दो। क्यों मुसद्दीलाल? ये बात ठीक है बिल्कुल, कि हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए। यही तो, ये लो बाहर पलंग बिछा है, सुखने डाल दो। ये मेरा काम थोड़ा ही है। तो तुम्हारा फॉर्म ढूंढना भी मेरा काम नहीं है? क्यों? फॉर्म किसका है? मेरा। लोन किसका पास होगा? मेरा। काम किसका होगा? मेरा। तो मैं क्यों करूं? नहीं ठीक है, मैं ये बाहर जाके सुखा के आता हूँ। यही तो, जल्दी जाना, धूप चली जाएगी। पटेल साहब, आपके रजिस्टर के नीचे वो एप्लीकेशन फॉर्म है, जरा दे दो ना। ये? यही तो। जाने। ये लो फॉर्म। जी धन्यवाद। बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, खत्म हो गया था। अब भरो और पांडे जी के पास दे दो। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म है। हम भरवा दें? आप लाओ भरवा देते हैं। क्या भरना? क्या सुअर? सुअर कहा? नहीं नहीं पूछ रहे, भैंस की सुअर। क्या भैंस, क्या सुअर? अबे लोन किसके लिए चाहिए, भैंस के लिए चाहिए कि सुअर के लिए? ओ अच्छा अच्छा, हाँ नहीं वो तो भैंस के लिए चाहिए। हाँ तो बस यूं दिलवा देंगे आप? हाँ। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ हम ये जो यहाँ पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? दलाल है। दलाल है? सरकारी कर्मचारी? दलाल सरकारी कर्मचारी नहीं, खुद सरकार होता है। क्या बोलो, बिना बोले ये लोन दिलवा दें? कितने लेंगे? 25,000 पे 3,000। नहीं नहीं मैं खुद ही करा लूंगा। चलो 2.5 दे देना तुम। नहीं नहीं मैं खुद ही करा लूंगा। दो दे देना। चलो। अरे नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद ही करा लूंगा। क्या ये लोन पास खुद? हाँ अपने आप? हाँ बिना दलाल के? हाँ। बेटा हिंदुस्तान में तो नहीं करवा सकता तू। हाँ बोलो भाई, भैंस की जी, सूर सूर की भैंस। हाँ भाई। नाम मुसद्दीलाल प्रसाद जी। उम्र 45 साल जी। पता 105 नवी बस्ती जी। लोन चाहिए जी। क्यों, किस लिए? ये भैंस खरीदनी है। भैंस क्यों? भैंस क्यों मतलब, मैं दूध का धंधा शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन भैंस क्यों, गाय बकरी क्यों नहीं? जी दूध तो बकरी भी देती है, वो सस्ती पड़ेगी। जी क्या है साहब के, ये भैंस का दूध जो है वो ज्यादा बिकता है। ओके तो कल अपने पेपर वेरीफाई करा के ले आइए, साथ में गारंटर भी, फिर देखेंगे। देखेंगे मतलब लोन कब मिलेगा? अरे पहले आपके पेपर चेक करेंगे, ठीक है कि नहीं, ऐसे कैसे लोन दे देंगे। तो ठीक है साहब, मैं कल सारे के सारे पेपर जमा करता हूँ आपके पास। ओके पांडे जी, मैंने फाइल में सारे पेपर लगा दिए हैं। नहीं भैया नहीं, तुम्हें लोन नहीं दे सकता। नहीं नहीं पर मेरे पेपर तो पूरे हैं। अरे तुम्हारा बैकग्राउंड खराब है और फोरग्राउंड का कुछ भरोसा नहीं है, पहले कुछ किया नहीं है, अभी कुछ करते नहीं है। देखिए पांडे जी, इसलिए तो कुछ करना चाहता हूँ ना। जिसने आज तक कुछ नहीं किया वो आगे क्या करेगा? ना तुम बैंक के पैसा खा जाओगे, मैं तुम्हें लोन नहीं दूंगा। नहीं मैं वादा करता हूँ पांडे जी, मैं बैंक का पैसा नहीं खाऊंगा, लोन लौटा दूंगा। मैं भी वादा करता हूँ। अच्छा कि तुम्हें लोन नहीं दूंगा? क्या अब जाइए, मेरा दिमाग खराब मत करिए, जाइए।
अरे भाई क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। हाँ भैया, सुअर की भैंस। अरे भैंस यार मिली? हाँ मिली। दिला दे? दिला दो। 3000 रुपए? कल तो 2 पे उतर आए थे। आप नहीं उतरे थे ना कल 2 पे? मैं उतर आया हूँ ना, आज मैच चला गया ना 3 पे। बहुत ज्यादा। ओफो भैया, भैंस का मामला, सुअर होता तो 1000 में दिलवा देते। नहीं, भैंस के लिए ज्यादा क्यों? भैंस का साइज भी तो बड़ा होता है। नहीं, फिर भी ज्यादा है भाई। मैं अकेला थोड़ी खाता हूँ, पूरा बैंक खाता है। अच्छा हाँ, तो लोन तो दिलवा दोगे ना? मिल गया समझो। कितनी भैंसें चाहिए? 2। 50,000 रुपए का लोन मिलेगा, 6,000 रुपए एडवांस दे दो। ठीक है, तो कल ला के देता हूँ। ठीक है, परसों मैं आपकी मीटिंग शुक्ला से डायरेक्ट करा दूंगा। शुक्ला कौन? मैनेजर है? कोई रोका क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। बड़ा ही सीधा आदमी है सर, बहुत ही सीधा आदमी है। 2 भैंसे खरीद लेगा, धंधे पे लग जाएगा अगर लोन मिल जाए तो। पाल लोगे? जी नहीं भैया, तुम तो एकदम अनएक्सपीरियंस आदमी हो। कहीं भैंस मरमुरा गई तो बैंक तो गया ना, मतलब 2 के भाव में। नहीं साहब, पाल लूंगा मैं। नहीं भैया, मुझे तो डाउट है। नहीं सर, मैं पाल लूंगा, बताइए। मैं हम है ना सर, पलवा देंगे, चिंता मत करिए। भैया तुम कह रहे हो तो लोन दे देते हैं, बैंक को तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। लेकिन एक बात बता दें गुड्डे, तुम जहाँ जहाँ लोन दिलवाए हो वहाँ से वापस नहीं आया है। ये भी नहीं आएगा सर। क्या बोला रहे? नहीं, आएगा आएगा, पक्का आएगा सर। तो ठीक है, ये फाइल जाके उधर लगवा दो, हम जो है 2-3 दिन में निपटवा देंगे। जी धन्यवाद। ए भटिया, उधर जा रहे हो तो जाओ, उषा जी को बोलो ना 4-5 लेती आएंगी। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं सर, आपके लिए 5 तो मैं लेके आया हूँ ना, ये लीजिए। बात क्या ना तेरी तो, ए जा जा ना, परसों आना यार। थैंक यू सर, थैंक यू। आई लो भाई मुसदीलाल, तुम्हारा काम तो हो गया भाई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी। लेकिन एक बात है, तुम्हारा धंधा चलने वाला नहीं है। अरे क्यों? तुम्हारे इलाके में जिसको देखो वही भैंस खरीद रहा है। अब क्या करें भाई, सुअर का तो लोन ही नहीं मिलता ना। अब लोग लोन लेते हैं, सुअर खरीदते हैं, मार के खा जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं सुअर चोरी हो गया, इसलिए सुअर का लोन थोड़ा मुश्किल है। तो भैंस का कौन सा आसान है? मेरे 15 लोगों को तो हमने दिलवाया। अच्छा, सब दूध बेचेंगे, तुम भी बेचोगे। अब गाँव में इतने पीने वाले नहीं है जितने बेचने वाले हो जाएंगे। तो क्या करें, शहर चल के बेचें? पागल हो गया, इतना झंझट करोगे तो फिर क्या करें भाई, कोई और धंधा कर लो। अरे जब लोन भैंस का लेंगे तो भैंस तो लेनी पड़ेगी ना। कौन कहता है कि लोन भैंस का लो तो भैंस लेनी पड़ेगी? मतलब? अरे लोन भैंस का लो और कोई और धंधा कर लो। नहीं, पर कल को वो बैंक वाले आएंगे, पूछेंगे भैंस कहाँ है तो क्या दिखाएंगे? भैंस? तो भैंस होगी नहीं तो कहाँ से दिखाएंगे? मेरे पास 2 भैंसे हैं, तुम्हारे घर के बाहर बांध दूंगा, वो आएंगे तो बोलना ये मेरी है। अच्छा, 500 रुपए लगेंगे एक दिन के। क्या? हाँ, 250 रुपए पर भैंस और 10,000 रुपए लोन में से। क्या कह रहे? 40,000 बचेंगे तुम्हारे पास, उसमें से कोई और धंधा कर लेना, ना दिल करे तो मत करना। नहीं, मगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बोल देना, भैंस चोरी हो गई तो लोन तो वापस करना पड़ेगा। इंक्वायरी चलेगी, चलती रहेगी। अरे थाने में 100-200 रुपए खिला देना, ना इंक्वायरी पूरी होगी ना लोन चुकाना पड़ेगा। नहीं, वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर गिनना परिंदे के अकाउंट खुलवा लो तुम तो। अकाउंट क्यों? बैंक वाले लोन हाथ में नहीं देते, अकाउंट में देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये रूल है, पूछना मत। क्यों? नहीं नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। मैंने तो देखिए अकाउंट खुलवा लिया है। कहाँ? आपके बैंक में। क्यों? ये नियम है ना। आपको कैसे पता? आप ही ने तो बताया था। अच्छा, तो पांडे जी मेरा लोन पास नहीं हो सकता? पर हो गया ना। ऐसे कैसे, जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता तब तक पास नहीं हुआ, समझो। कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, हिंदी बात कर रहे हैं। नहीं तो कब आएगा पैसा? जब हम साइन करेंगे। लेकिन वो तो शुक्ला जी तो कह रहे थे कि हो गया है, वो तो मैनेजर हैं। अरे शुक्ला जी मैनेजर हैं और मैं लोन इंचार्ज हूँ, मेरे साइन के बगैर एक भी पैसा इधर उधर नहीं हो सकता। एक पैसा नहीं, मेरा 50,000 का लोन है। तब तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता मेरे साइन के बगैर। तो कर दीजिए ना साइन। ऐसे कैसे कर दूं? मतलब शुक्ला को कितना दिया? मैंने तो कुछ नहीं दिया। तो किसने दिया? वो भाटिया ने दिया, उसने कहा था तुम मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगा। भाटिया लोन देगा? लोन तो आप देंगे। तो फिर गलत जगह क्यों दिया? गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए मुझे, साइन कर दीजिए प्लीज। वो तो मैं कर दूंगा। देखिए हमारा कोई इरादा नहीं होता कि गरीब आदमी को परेशान करें, लेकिन क्या करें, जब खुद परेशान होंगे तो परेशानी होगी ना। क्यों? हाँ, तो है, मैं तो खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो फिर परेशानी पूरी करो। कैसे? हमारी परेशानी दूर करके। कितने दूर? टोटल 3,000। क्या? हाँ, अभी साइन कर देता हूँ, कल अकाउंट में पैसा आ जाएगा और भैंस घर पे। ठीक है, तो फिर कल ही ला के देता हूँ। तो ठीक है, मैं परसों साइन करता हूँ। धन्यवाद। अरे काहे काहे का धन्यवाद, हम बैठे किस लिए हैं यहाँ पर? किस लिए बैठे? अब हमें क्या पता किस लिए बैठे हैं। जी मतलब लोन हो गया? जी हाँ, मैंने भैंसे भी खरीद ली। गुड, तो रसीद जमा करवा दीजिए। जी हाँ, ये लाया हूँ मैं रसीद, ये देखिए 54,000 रुपए की खरीदी है, 2 भैंसे। अरे बड़ी महंगी खरीद ली तुमने। बड़ी तंदुरुस्त भी है ना। हाँ, भटिंडा से खरीदी है? नहीं, भाटिया से खरीदी है। भाटिया? भाटिया कहाँ पड़ता है पंजाब में? ये बठिंडा से थोड़ा सा पहले पड़ता है साहब।
देखना पड़ेगा। जी तो आप कब आएंगे? कल आएंगे इंक्वायरी करने। हाँ तो आप आ जाइए, मैं भैंसे मंगा के रखूंगा। क्या मंगा के मतलब? नहीं नहीं, वो चरने वरने के लिए गई होंगी ना, तो मतलब उनको बुला लेंगे, मंगा लेंगे। ओके तो सब कुछ कलेक्ट कर लो, तो कल हम आते हैं। आओ जी आओ, देख लो आप, ये लिए दो भैंसे मैंने। दूध देती है? देती होगी। होगी नहीं मतलब देती है। पांडे जी जरा मोहर मार दो तो कानों पे। अरे मोहर क्यों? कान पे निशान लगाएंगे ताकि बाकी भैंसों में मिक्स ना हो जाए। और टोकन भी पहना देना जो अपने गले में रखे हो ना, वो भी। टोकन क्यों भाई? अरे टोकन इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि ग्रामीण बैंक ने लोन दिया है भैंसों के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी हो गया? अभी कहाँ, आइए। हाँ सही है। हाँ जी अब क्या? क्यों तुम्हारे यहाँ मेहमान की खातिरदारी नहीं करते क्या? नहीं करते तो हैं, वो क्या है बीवी घर पे नहीं है मेरी। बीवी से खातिर करवाते हो? भाई चाय पानी वगैरह तो वही बनाएगी ना। चाय पानी हमें दे दो, हम बाहर कर लेंगे। हाँ हमारी बीवियाँ घर में रहती हैं। अच्छा भाई ठीक है, ये लीजिए आप, ये लीजिए आप। चलो भैया धन्यवाद। चलो पांडे जी बहुत काम करना है, वो ध्यान रखना, इंक्वायरी के लिए हम कभी भी आ सकते हैं। अब और कुछ बचा तो नहीं ना? अरे ऐसे कैसे, अभी डॉक्टर साहब आएंगे, देखेंगे कि बूढ़ी बीमार भैंस तो नहीं है क्या। हाँ कहीं मरमरा गई तो? हाँ तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, बैंक का होगा। हाँ बैंक का। नमस्ते। नमस्ते जी। ला भैया 500 रुपए ला, जल्दी ला, लालू क्या जाना, यही भैंस बांधनी है। हाँ हाँ पर वो तो कह रहे हैं डॉक्टरी जांच के लिए फिर से लगेगी। हाँ हाँ तो बता देना कब आ रहे हैं, बांध देंगे ना। तो कब आएंगे? ओहो तो डॉक्टर बताएंगे। तो डॉक्टर कौन है? पटेल। क्या? हाँ मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, डंगो डॉक्टर। अच्छा पर आप तो यहाँ काम करते हैं। थैंक यू सो मच, आप पहले आदमी हो जो ये कह रहे हो कि मैं यहाँ काम करता हूँ। मेरा मतलब था कि आप मतलब यहाँ बैठते तो हैं। हाँ मतलब दिन भर यहाँ बैठता हूँ, रात भर मेरे क्लिनिक में बैठता हूँ। अच्छा तो आप मेरी भैंसों की जांच करेंगे? हाँ हाँ। तो कब आएंगे? क्यों भैंसे मंगानी है? हाँ नहीं मंगानी नहीं है, भैंसे तो मेरे घर पे हैं ना। हाँ हाँ वो तो आऊँगा तो देख लूँगा। तो कब आएंगे? क्यों पूछ रहे हो? मैं घर पे रहूँगा ना। अच्छा इनकेस नहीं हुए तो? तो बीवी होगी घर पे। ठीक है उनकी जांच करके चला जाऊंगा। क्या बीवी की जांच करके चले जाएंगे? मतलब उनके सामने भैंस की जांच करके चला जाऊंगा जी, और ऐसा सरप्राइज दूंगा कि बहुत भारी प्राइस देना पड़ेगा भाई साहब। मैं तो फंस गया ना, वो पटेल कह रहा कभी भी आ जाएगा। ओहो तो प्रॉब्लम क्या है, दिखा देना ना। क्या दिखाऊंगा? भैंस कहाँ है? अरे मेरी है ना, कल बांध दे दो तुम्हारे घर के बाहर। कल नहीं आ रहा वो। ओफो जब तक वो नहीं आएगा तब तक तुम्हारे घर के बाहर बंद ही रहने दो। और किराया कौन देगा भैंसों का? तुम और कौन? अच्छा 500 रुपए रोज के हिसाब से वो 10 दिन तक नहीं आया तो 5000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है भाई। अच्छा चलो तुम शरीफ आदमी हो, तुम 300 रुपए पट दे देना। पर गिनो परिंदे के। हाँ अब फिर से गिनूं? पैसे से है कि नहीं है? क्यों भूख लगी है, समोसे खिला दो यार। समोसे? आ नहीं यार मैं खिलाता तेरे को समोसे, आ जा। खाल मोटी है यानी उम्र कम से कम 10 साल तो होगी। दांत दिखाओ। अरे अपने नहीं भैंस के दांत दिखाओ। नहीं मगर भैंस के दांत क्यों? दांत से पता चलेगा ना कि जवान है कि बूढ़ी है। भैंस की जवानी से आपको क्या? अरे भाई बूढ़ी होगी तो लोन पास नहीं होगा, वापस करना पड़ेगा। क्या? हाँ और भाई ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट सब करना पड़ेगा। हिंदी में बोलिए। देखो कल है ना वो क्या बोलते हैं, खून की जांच, मल की जांच, मूत्र की जांच सब करानी पड़ेगी। किसकी? आपकी। नहीं मेरी, मैं जांच तो आप भैंस की कर रहे हैं ना। हाँ तो भैंस की करानी पड़ेगी। पर क्यों? अरे भाई पता चलेगा ना कि बीमार है कि नहीं है। अच्छा तो कहाँ कराऊँ? मेरे क्लिनिक में आ जाना, करा दूंगा जी। ठीक है तो चलो जी। ठीक है ना, मतलब कुछ सब ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा मतलब ऐसे ही? हाँ ओके। नमस्ते। नमस्ते। अरे भैया हम कुछ नहीं समझते। क्यों? अरे कहाँ से भैंस खरीद के ले आए भाई तुम? नहीं पर क्यों? अरे 2 दिन में टाइम बोल जाएगी भैंस, लिख के ले लो, चलेगी नहीं वो? नहीं नहीं चलती है, रोज सुबह शाम चलती है। अरे भाई हमारा वो मतलब नहीं, हमारा मतलब हम पास नहीं करेंगे। तो क्या लोन वापस करो। अब मैं कहाँ से लाके दूँ? अब वो तुम जानो भाई, देखो या तो तंदुरुस्त और जवान भैंस लो या तो लोन वापस करो। और एक चीज और, 2 दिन का मोहलत देते हैं। क्या? हाँ ना 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 बे, मेरी ये जुबान है एकदम टनाटन। पटेल झूठ बोल रहा है। क्यों? तुमने खातिरदारी नहीं की होगी। खातिरदारी तो मैंने उतनी भी नहीं की उसकी। तभी तो। अब क्या करूं? अब क्या 2 बातों से समझाएगा बेटा? अच्छा अब 1000 रुपया लगेगा क्या? हाँ मैं आपकी भैंस को बिल्कुल जवान कर दूंगा, एकदम
टीनेजर लगेगी। कहाँ? फाइल में। पर 1000 रुपया तो बहुत ज्यादा है। अरे देखो दे दो वरना दो बातें हो जाएगी, या तो आपकी बूढ़ी भैंस पास होगी या तो नहीं होगी। होगी कहाँ से, और नहीं हुई तो दो बातें होगी, या तो आप जवान भैंस खरीदोगे या तो नहीं खरीदोगे। नहीं खरीदी तो फिर लोन लौटाना पड़ेगा, और खरीदी तो दो बातें होगी, या तो नई भैंस 15-20 हजार में आएगी या तो 20-25 हजार में आएगी। 15 हजार में आज के जमाने में भैंस आती नहीं है भाई साहब, और 25 हजार दिए तो ठीक है, दो हमारे बाप का क्या जाता है। अरे यहाँ जवान भैंस खरीदोगे 25 हजार में, मगर यहाँ बूढ़ी भैंस को 1000 रुपए में जवान कराऊं तो वो नहीं कराना चाहते आप। ठीक है यो विश। नहीं, पर देखिए। अरे भाई साहब आप समझते नहीं है, इतना खर्चा तो ब्यूटी पार्लर में भी हो जाता है। बोलो देते हो क्या? हाँ देता हूँ। ठीक है तो फिर आपकी भैंस को जवान कर देता हूँ। ये लीजिए, लाई था ना घर से पूरे 1000 रुपए। बस तो हो गई आपकी भैंस जवान। मुबारक हो मुसद्दीलाल। भाई अब कुछ और तो नहीं है? हाँ ये है ना, इंश्योरेंस का 5000 भर दो। क्या? हाँ वो वन टाइम प्रीमियम। क्यों? अरे तुम्हारी भैंस अगर चोरी हो गई या मर गई तो कहाँ से वसूलेंगे? कहाँ से वसूलेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से। हाँ ये ठीक है, तो साइन कर दो। लो जी ये कर दिए साइन। ओके अब प्रीमियम का चेक 5000 का। हाँ, अभी देता हूँ। कितना बताया था आपने? 5000 रुपीज। 5000 का चेक, आप नाम भर लेना ऊपर। अब आपकी भैंस सेफ है, अब उसे कुछ नहीं होगा। अरे होगा तो तभी जब भैंस होगी, यहाँ तो भैंस है ही नहीं। अरे पर मजा आ गया भाटिया जी, 20000 रुपए खर्च हुए और 20000 रुपए मिल गए अपने को खामखा। मजा आया? हाँ बहुत है। और कमाओगे कैसे? अपनी भैंस को मार दो। क्या? हाँ। अरे भाई जब भैंस आई नहीं तो कहाँ से मारूंगा? तभी तो कह रहा हूँ कि अपनी भैंस को मार दो। तो इन लोगों को दिखाऊंगा क्या? कान। क्या? हाँ देखो मैं अपनी भैंस का कान काट के दे दूंगा तुम्हारे को, भैंस को मरा हुआ साबित कर देंगे, लोन तो भूल जाओ, इंश्योरेंस की रकम भी खा जाएंगे। नहीं नहीं, पर ये बताओ कि तुम अपनी भैंस का कान क्यों काटोगे? तुम इंश्योरेंस की रकम का 50% मुझे दोगे तो मैं अपनी भैंस का क्या, अपने बाप का कान काट दूंगा। क्या? बोलो मार दो भैंस को। अरे 20000 रुपए मुझे मिल रहे होंगे तो मैं भैंस तो क्या अपनी बीवी को मार दूंगा। तो चलो